केशोद नगरपालिकानी सामान्य चूंटणी योजाया बाद प्रथम 18 वर्ष माटे सत्ताधारी पक्ष भाजप द्वारा प्रमुख तरीके लाभूबेन निरंजनभाई पीपलिया अने उपप्रमुख तरीके गौरांगभाई व्यासने सर्वानुमते वरणी करवामां आवी हती। आगामी दिवसोमां तेओनी मुद्दत पूर्ण थाय छे त्यारे जूनागढ़ जिला कलेक्टर द्वारा आगामी तारीख 18 सप्टेम्बरना रोज बपोरे 11 वागे नगरपालिका सभाखंडमां खास साधारण सभा नायब कलेक्टरनी अध्यक्षतामां बोलावी तेनी जाण करता एजेंडानी नकल सदस्योने आपवानी कामगीरी शुरू करवामां आवी। केशोद नगरपालिकामां कुल 36 सदस्योमां 30 सदस्योए भाजपमां संपूर्ण बहुमती धरावे छे। कोंग्रेस पक्षना 6 सदस्यो चूंટાયેલા છે। केशोद नगरपालिकाना आवनार 18 वर्ष माटे नवा प्रमुख अने उपप्रमुखना नाम नक्की करवा सत्ताधारी पक्ष द्वारा खानगी राहे कवायत शुरू करी। केशोद नगरपालिका विस्तारमां आवनारा दिवसोमां केन्द्र सरकार द्वारा आंतरराष्ट्रीय एरपोर्ट अने केशोद रेलवे स्टेशननो आधुनिकता सभर बनावानी जाहेरात करी। केन्द्र सरकार अने राज्य सरकार विविध योजनाओना शहरीजनों सुधी पहुंचे सन्मवय संकलन जलवाई रहे तेवा सदस्यनी पसंदगी करवामां आवशे एवुं आधारभूत वर्तुळोमांथी जाणवा मळे छे। केशोद नगरपालिका भावनगर झोन हेठळनी सद्धन नगरपालिका होवा छतां बी ग्रेड धरावे छे। आवनारा दिवસોમાં એ ગ્રેડમાં સમાવેશ કરવામાં આવે તો કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારને વિવિધ યોજનાઓ હેઠળ ફાળવણી આમાં આવતી રકમોમાં વધારો થઈ શકે તેમ છે। આવી પરિસ્થિતિમાં સત્તાધારી પક્ષ દ્વારા સક્ષમતા ધરાવતા સદસ્યની પસંદગી પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ તરીકે કરી આવનારા દિવસોમાં યોજાનાર લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણીમાં સીધો લાભ મેળવશે। સત્તાધારી પક્ષ દ્વારા પક્ષની ગાઈડલાઇન્સ મુજબ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે એમ ચિત્ર સ્પષ્ટ થતું જશે। केशोद नगरपालिकाना प्रमुखश्री अने उपप्रमुखश्रीनी मुदत आगामी तारीख 16/9/2023 रोज पूर्ण थाय छे अने एना संदर्भे जिल्ला चूंटणी अधिकारी अने कलेक्टरश्री जूनागढ़ तरफथी सामान्य बैठक अंगेनी नोटिस इश्यू करी आगामी तारीख 16/9/2023 रोज 11 PM केशोद नगरपालिका कचेरीना सभाखंडमां एक सामान्य सभा राखवामां आवेल छे जेमां एजेंडा मुजबनी विगते प्रमुखश्री अने उपप्रमुखश्रीनी चूंटणी करवामां आवशे। रावली मधुनो रिपोर्ट एस9 न्यूज केशोद।